थोड़ा टफ होगा। मान लो कि अगर आप आए तो आपको मे भी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ भी आपको क्या पता जॉब ना मिले। तो हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वीडियो में बात होने वाली है वो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब्स के ऊपर, पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जो यूएसए में, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, कि वो यूएस आके एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि नहीं। भाई मेरा सीधा सीधा जवाब है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि तुम स्टूडेंट हो भाई, नहीं कर सकते, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट का लो है कि भाई एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू कैन नॉट डू पार्ट टाइम जॉब्स हेयर। कर सकते हो एक सरकमटाइज में, मतलब कि इन कैंपस जॉब कर सकते हो, आउट कैंपस जॉब नहीं कर सकते। इन कैंपस इन द सेंस कि मतलब कॉलेज के अंदर, आप कॉलेज के अंदर मान लो कोई कैफेटेरिया है, कोई कैंटीन है, या फिर कोई ट्यूशन ट्यूटरिंग की जॉब है, तो वो आप कर सकते हो, इन कैंपस उसे कहते हैं। और वो भी, उसको भी आप मतलब एक सेमेस्टर के बाद, जैसे कि आपके कॉलेज में एक सेमेस्टर पूरा हो गया, मान लो आपके सेमेस्टर के जो ग्रेड्स आए हैं कुछ आया है, तो हर एक कॉलेज की क्राइटेरिया होता है कि इतने से ऊपर होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो कैंपस, इन कैंपस जॉब करने के लिए। वो भी तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, तो उसके बाद आप इन कैंपस पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से एप्लीकेशन आएगी और अपना सोशल सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आप जाके जॉब कर सकते हो। और हाँ, स्टूडेंट्सों को सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलता, वो अगर इन कैंपस में जॉब अगर आपको मिल गई है तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, वरना बाहर जॉब करने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। और मैं हूँ न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि किसी 2-3 स्टेट्स है, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी और मे बी और 1-2 स्टेट्स और होंगे जिसमें कि जैसे स्टेट आईडीज के लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं लगता। बाकी और बाकी स्टेट्स हैं जिसमें कि स्टेट आईडीज के लिए सोशल सिक्योरिटी चाहिए होता है, तो इसलिए वो सोशल सिक्योरिटी बनवा लेते हैं, फिर स्टेट आईडी बनवाते हैं। तो यहाँ पे तो भाई कोई फंडा ही नहीं, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होगा, कोई काम भी नहीं। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, कॉलेज की तरफ से मिल गया, कॉलेज इन कैंपस जॉब कर रहे हो आप और सोशल सिक्योरिटी मिल गया, तो आप उस सोशल सिक्योरिटी से आप बाहर जॉब नहीं कर सकते, SSN नंबर से आप बाहर जॉब नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको डिपोर्टेशन का फेस करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो 4 साल तक आप जॉब नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब, साफ सिंपल जवाब, नहीं कर सकते। और एक मैंने इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप की बात आती है तो जॉब उस तरीके से भी कर सकते हो कि एक प्रोग्राम है यूएसए में बैचलर्स डिग्रीज में, कि ओपीटी बोल के एक प्रोग्राम आता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मान लो अगर आपका फील्ड बिजनेस फील्ड है या फिर कोई आपका मेडिकल फील्ड है, तो मेडिकल में तो शायद है नहीं, बिजनेस फील्ड है या फिर कोई मेडिकल के बारे में मुझे पता नहीं, खैर सॉरी, अगर आपका कोई बिजनेस फील्ड है या कोई और रिलेटेड का फील्ड है, तो आप उस कंपनी में, कोई बिजनेस रिलेटेड कंपनी में आप अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए। अगर आपको वो भी सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो, सेकंड सेमेस्टर के बाद इनका क्राइटेरिया है, 2 सेमेस्टर के बाद या 3 सेमेस्टर के बाद शायद आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हो, ओपीटी के लिए एलिजिबल होते हो, तो आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आप वो अपना रिज्यूमे दे सकते हो, ऑफर लेटर मंगवा सकते हो, तो वो मिल गया तब भी आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा। पर इनके उसी केस में फिर आप बाहर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, सिर्फ उस कंपनी में काम कर सकते हो, और आपको भी और घर क्या बोलते हैं, यहाँ का हफ्ते में सिर्फ 20 आवर्स मिलता है स्टूडेंट्स को अगर आप जॉब करते हो तो, इंटर्नशिप में करते हो या फिर कोई इन कैंपस जॉब करते हो, तो हफ्ते के सिर्फ 20 घंटे और क्या बोलते हैं, हाँ नहीं होता है, इंटर्नशिप में भी आपको शायद 20 आवर्स I think 20 आवर्स ही मिलते होंगे वीक के, 40 आवर्स नहीं मिलेंगे शायद, I am not confirm अबाउट दिस, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि इंटर्नशिप में भी आपको हफ्ते के 20 घंटे मिलते होंगे एज अ स्टूडेंट, जब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो सीन है। तो इस तरीके से भी आप जॉब कर सकते हो या कॉलेज में, बट आपको इतनी इनकम नहीं होगी जितना आप सोच के आए होगे, इतनी इनकम जनरेट कर लूँगा मैं, या आऊँगा ये कर लूँगा, बट नहीं। अगर और मैं उस चीज़ की बात करूँ कि अगर दूसरे तरह से जॉब करनी है, मतलब कि आपको कैश जॉब करनी है, तो कैश जॉब कर सकते हो भाई, बट उसमें रिस्क है। अगर आपको किसी ने देख लिया, किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी या कुछ हो गया, तो फिर से आप डिपोर्ट हो सकते हो इंडिया के लिए या कहीं के लिए, अपने कंट्री के लिए डिपोर्ट हो सकते हो। कि मैं ये मना नहीं कर रहा कि कैश जॉब नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट आप अपने रिस्क में करना, साफ सीधी बात है। और अगर आपकी जॉब लग जाती है, मान लो इन कैंपस जॉब लगती है, तो आपकी मिनिमम वेज क्या होगी? मिनिमम वेज यहाँ पे न्यूयॉर्क पे इस टाइम पे चल रही है भाई $16 per hour, और क्या बोलते हैं, इससे अगर 16 से नीचे आपको कोई देगा नहीं यहाँ पे न्यूयॉर्क में, अगर इन कैंपस कर रहे हो चाहे आउट कैंपस कर रहे हो। अगर आप कैश पे कर रहे हो तो भाई आपको
9, 10, 11। और कोई अगर आपका रेफरेंस अच्छा है तो 12, 13 या 14 तक पे मिल जाएगा, वरना आपको ये मिलेगा 10, 11, 10, 11, 10, 11 बाहर कैश पे, अगर कहीं इंडियन स्टोर में लग गए आप, कहीं ग्रोसरी स्टोर में लग गए कैश में। पर यह है कि मिनिमम वेज से नीचे ही मिलेगा भाई, मैक्सिमम वेज तो पता नहीं कितने हो गए आप इनका, बट यही है भाई। अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे करना भाई, हिसाब से दी बात मैंने जो मैंने बोला, क्योंकि इसमें आपको डिपोर्टेशन का भी फेस कर सकते हो और बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं भाई, थोड़ा टफ होगा। मान लो कि अगर आप आए तो आपको मे भी 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ भी आपको क्या पता जॉब ना मिले, तो अगर आ रहे हो इधर US में तो भाई फुल्ली प्रिपेयर्ड हो के आना कि भाई हाँ कि वहाँ पे मेरे को जाते ही जॉब नहीं मिलने वाली है। आप US आ रहे हो तो ये मत सोच के आना कि एकदम ही आपको आते ही मिल जाएगी जॉब, तो भाई कम से कम ये सोच के आना कि भाई हाँ जॉब ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं पूरे US की बात नहीं कर रहा, मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, तो मैं अपने न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो भाई अगर आपका रेफरेंस है, अगर आपको कोई चाचा था वो भाई वही रहता है तो भाई हाँ क्या पता आपको दिलवा दिया एक हफ्ते में या एक महीने में जॉब, बट आपका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो भाई यू हैव टू बी पेशेंस हियर। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी किसी को यहाँ पे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने, किसी को 1 साल होने वाला है, किसी को जॉब नहीं मिली। भाई मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। बस मैंने पिछली वीडियोज़ में भी शायद मैंने बोला होगा आपको, अगर आप US आ रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई। मेंटली प्रिपेयर तो 100% 200% हो गया ना कि भाई हाँ नथिंग इज़ ईजी हेयर। आपको यहाँ पे आप जॉब, अगर आपको पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी, नाइट शिफ्ट भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, आपको अपने असाइनमेंट भी करने हैं, सब कुछ करना है, आपको सब मैनेज करना पड़ेगा। इट्स इट विल बी लिटिल बी टफ, बट आप कर सकते हो, बट मेंटली प्रिपेयर रहना, मैं तो बस आपको यही एडवाइस दे रहा हूँ। और बाकी जॉब्स के बारे में आपको बता ही दिया कि क्या सीन है यहाँ पर, क्या नहीं है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर और भी कुछ जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, तो इस वीडियो में कमेंट कर देना नीचे और बता देना कि हाँ इस बारे में बता दो भाई नानू भैया, तो हम बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और आपको मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने उन फ्रेंड्स को भेज देना जो US आने वाले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं कि US आने का, उनको पता नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो उनको शेयर करना प्लीज़। और बाय बाय, टिल देन सी यू।